तो नमस्कार दोस्तों, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल आप सभी का एक बार फिर से जोरदार स्वागत करता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा भर्ती, जो उत्तर प्रदेश पुलिस 52,000 कांस्टेबल भर्ती जो आप सभी के लिए आनी है, उसमें क्या दोस्तों आयु में आपको छूट दी जाएगी। देखिए आयु में अगर छूट दी जाएगी तो कितनी दी जाएगी, आपको पता होगा लास्ट टाइम जो भर्ती आई थी दरोगा भर्ती वो 2016 में आई थी। तो 2016 के बाद में लगभग दोस्तों 4 साल हो गए हैं, ठीक है, कोई वैकेंसी आप सभी के लिए नहीं आई है। और वहीं बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तो लास्ट भर्ती 2018 अक्टूबर में आई थी, 49,568 पदों पर, उसके बाद में कोई भर्ती नहीं आई है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल दोस्तों ये बनता है कि क्या आपको आयु में छूट मिलेगी, कॉन्स्टेबल में कितनी छूट मिलेगी, और रही बात दरोगा की तो इसमें भी आपको कितनी छूट मिलेगी। देखिए दरोगा भर्ती के बारे में सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, 2016 में भर्ती आई थी, उसके बाद में कोई नहीं आई है। तो भाई इस भर्ती में आपको आयु में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। देखिए मेरे हिसाब से तो कम से कम 1 से 2 साल की छूट आपको दरोगा भर्ती में मिलनी चाहिए, ठीक है। और वही बात करें दोस्तों 52,000 कॉन्स्टेबल की तो उसमें लगभग आपको 1 या 2 साल की छूट 100% मिलेगी, क्योंकि साल 2017 में जब आपको पता होगा वैकेंसी नहीं आई थी तो उसके लिए योगी सरकार ने 1 साल की छूट प्रोवाइड की थी। तो ऐसे में जब साल 2019 खाली गया है तो आयु में छूट पक्का 100% दी जाएगी। और साल 2020 में मुझे लगता तो है नहीं वैसे 52,000 कॉन्स्टेबल वैकेंसी आपके लिए आएंगी साल 2020 में, फिर भी बता रहा हूं अगर साल 2020 में भी वैकेंसी आती है तो भी 1 से 2 साल की छूट आपको दी जाएगी, और 2021 में आती है तो लगभग 2 साल की, और अगर 20 में आ गई तो 1 साल की छूट 52,000 कॉन्स्टेबल में आपको दे दी जाएगी, इससे ज्यादा तो नहीं दी जाएगी। लास्ट अगर 2021 में आती है तो 2 वर्ष की छूट, और 2020 में आ गई तो 1 वर्ष की छूट आपको दी जाएगी। और वही बात करें 5623 दरोगा भर्ती के लिए तो इसमें लगभग आपको एक या दो वर्ष की छूट आपको आयु में 100% दी जानी चाहिए, वैसे पक्का नहीं कहूंगा लेकिन दी जानी चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपको दोस्तों ये जो आयु की हमने कैलकुलेशन की है और वैकेंसी का मतलब वैकेंसी का कैलकुलेशन किया है, वैकेंसी तो आपके लिए अभी आने वाली है, ठीक है, इस महीने में आ जाए, इससे अगले महीने में आ जाए दरोगा भर्ती। कॉन्स्टेबल के बारे में अभी कुछ नहीं बोला जा सकता है, कॉन्स्टेबल के बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंडिया टीवी पर लाइव आते हुए भी उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया है कि भाई हम जल्दी ही इतने कांस्टेबल के पद और लेकर आने वाले हैं, तो उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। हाँ दरोगा भर्ती के बारे में जरूर जिक्र किया था। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल थैंक यू एंड बाय बाय।